ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे फल मक्खी फ्रूट फ्लाई N2311 का नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन। देखें तो ऑर्डर है डिप्टेरा और फैमिली है टेफ्रेटिडी और फोर स्पीशीज बताई गई हैं इसकी। साइंटिफिक नेम बैक्ट्रोसेरा डोर्सालिस और ये इसकी तीन अनदर स्पीशीज बताई गई हैं। और होस्ट प्लांट की बात करें तो आम अमरूद लोकाट अनार बेर पीच नाशपाती सेब केला ये सारे जो एप्रिकॉट है के अतिरिक्त सब्जियों में टमाटर भी है लौकी मिर्च और बैंगन ये सारे इसके होस्ट प्लांट रहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग देश के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है और दक्षिण भारत में इसका प्रकोप अधिक होता है। ऑल ओवर इंडिया में ये पाया जाता है बट इसका जो प्रकोप है वो दक्षिण भारत साउथ इंडिया में अधिक रहता है। और वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंडिया के अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया पाकिस्तान तथा ऑस्ट्रेलिया में भी यह इंसेक्ट पाया जाता है या फ्रूट फ्लाई मिलती है। बात करते हैं हम देखते हैं कि इसका जो डैमेज है वो किस प्रकार होता है। इसकी जो लार्वा स्टेज है जिसे मैगट कहा जाता है। जब हम किसी मक्खी की बात करें तो मक्खी का जो लार्वा होता है उसे मैगट कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अनदर बटरफ्लाई या मॉथ का जो लार्वा उसको कैटरपिलर कहा जाता है उसे सुंडे या ग्रब भी कहते हैं। और यदि फ्लाई या मक्खी की बात करें तो इसके लार्वा को मैगट्स कहा जाता है और इसकी जो मैगट अवस्था है या लार्वा अवस्था है वो प्लांट्स को हानि पहुंचाती है। और जो फ्रूट्स है उस पर बहुत आसानी से इस कीट की बाधिता के लक्षण दिखाई देते हैं। फल क्या हो जाता है कमजोर हो जाता है ना। मैगेट्स फल के अंदर गूदा खा लेते हैं जिससे क्या होता है फल खराब हो जाता है और उसमें से स्मेल भी आने लगती है। और इस कीट के प्रकोप के कारण जो फल है वो पकने से पहले ही गिर जाते हैं जिससे जो फ्रूट की पैदावार है उसमें कमी आती है। और अमरूद के फल में यह स्पंज की तरह हो जाता है खाने के लायक नहीं रहते तो फ्रूट्स क्या हो जाते हैं इसके प्रकोप से खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है या जीवन इतिहास है उसमें चार अवस्थाएं पाई जाती हैं। एग फिर लार्वा प्यूपा और प्रौढ़ पाए जाते हैं। एग की बात करें तो जो फीमेल फ्लाई है या जो मादा मक्खी है वो सफेद रंग के 2 से 11 के समूह में अंडे देती है और फलों की भित्ति में अंडरोपक को गड़ा कर देती है। जो ये फ्लाई है इसका जो पीछे का हिस्सा है उसमें अंडरोपक पाया जाता है तो ये उस फ्रूट के अंदर अंडे देती है और अंडों जीवन काल में 150 से 200 अंडे देती है। और गर्मियों में इसकी हैचिंग का जो टाइम है वो 2 से 3 दिन रहता है और जबकि सर्दियों में बात करें तो यह 15 दिन में हैचिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो लार्वा है या इसका जो मैगेट है वो कैसा होता है। तो इसका जो मैगेट निकलता है वो पारदर्शी होता है और 1 mm लंबा होता है जबकि जो पूर्ण विकसित मैगेट होता है वो 8 से 9 mm का होता है। मैगेट सफेद रंग का हो जाता है सफेद रंग का होता है और लार्वा अवस्था जो होती है वो 7 से 28 दिनों की रहती है। जब मैगेट पूर्ण विकसित हो जाता है तब तक ग्रसित फल में सड़न प्रारंभ हो जाती है क्योंकि एग क्या है फलों के अंदर दिए जाते हैं और लार्वा का है वही निकलता है और पूरा उसके गुदे को खा जाता है। जब तक वो लार्वा पूरे विकसित होते हैं पूरे के पूरा जो फ्रूट है वो सड़ जाता है और सड़न के कारण वह जमीन पर गिर जाता है और मैगट बाहर निकल कर जमीन के अंदर प्यूपा अवस्था में बदलने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी प्यूपा या जो कोया बनाता है कोकून बनाता है। जो ये मैगट्स हैं वो मिट्टी के अंदर क्या करते हैं 8 से 13 mm गहराई में जाकर प्यूपा अवस्था में बदल जाते हैं जो ब्राउन कलर का और 4 से 5 मिलीमीटर लंबा होता है।
अगेन वही कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण इसकी कोशावस्था है वो भी प्रभावित होती है, उसका भी टाइमिंग अलग अलग रहता है। कोशावस्था गर्मियों में अगर बात करें तो वो 4 से 7 दिन की रहती है, और अगर हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो यह 42 डेज की रहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका ब्रूड या इसका जो एडल्ट है। एडल्ट क्या होता है, ये घरेलू मक्खी की तरह ही दिखाई देता है, और शरीर और तथा पंखों पर पीले तथा भूरे रंग के पैच लगे होते हैं। ये मक्खियां काफी दिनों तक जीवित रहती हैं, और जो सर्दी होती है या विंटर वेकेशन सॉरी विंटर सीजन जो होता है उसमें इसी अवस्था में रहती हैं। और कद्दू कुल के पौधों पर प्रजनन करती हैं। बसंत जब शुरू हो जाता है तो बसंत शुरू होते ही ये पहले लोकाट और कद्दू कुल के जो प्लांट्स हैं उन पर प्रजनन करती है, और जब वर्षा ऋतु आती है तो यह आम पर पाई जाती है। और इसका जीवन चक्र जो है वो 16 से 42 दिन रहता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, और एक से अधिक पीढ़ियां एक साल में पाई जाती है। 4 अवस्थाएं, एक एग, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और फोर्थ एडल्ट। अब देखते हैं हम इसके कंट्रोल या प्रबंध कैसे करते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, इसका प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं, या तो प्रिकॉशंस हमें यूज करनी पड़ेंगी, सावधानियां रखनी पड़ेंगी, या फिर दवाओं के प्रयोग से हम इसको इसका प्रबंधन कर सकते हैं। जो कीट ग्रसित फल होते हैं उनको एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए, और जहरीला चारा बनाना चाहिए जिसमें प्रोटीन, हाइड्रोलाइसेट, शक्कर, मालाथियन, फट्टे ईसी और पानी मिलाकर चौड़े मुंह के मिट्टी में बर्तन में भरकर बगीचे में कई जगह पर रख दें, जिससे क्या है वो फ्लाइज उसमें मर जाएंगी। और जिस समय फल पकने वाले होते हैं उस टाइम 0.05 मालाथियन का छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो फ्रूट फ्लाई है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उसकी लाइफ हिस्ट्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेजोनस स्केल, क्लासिफिकेशन देखते हैं, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली डिस्पिडिडी या कॉक्सिडी भी कहते हैं इसे। और अगर साइंटिफिक नेम की बात करें या इसके जीनस स्पीशीज की बात करें तो क्वाड्रापिटिडस, परनीसियस, परनीसियोसस ये इसका साइंटिफिक नेम है, या जिसे हम जीनस स्पीशीज भी कहते हैं। पोस्ट प्लांट की बात करते हैं तो जो सेंजॉस स्केल है इसके जो होस्ट प्लांट है वो सेब, नाशपाती, आड़ू, चेरी, प्लम के अलावा जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं और जो शब्स होती हैं, शब्स वो सारे इसकी होस्ट प्लांट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। लगभग सभी देशों में, या ये कहा जाए कि पूरे वर्ल्ड में, यह है जो सेजोना स्केल है वो सेंजो स्केल पाया जाता है। और ये ठंडे क्षेत्रों के फलों का महत्वपूर्ण कीट है। जहाँ पर ठंडे जो फल होते हैं ना, ठंडे एरिया में लगने वाले जो फल है उनके लिए ये महत्वपूर्ण कीट कहा जाता है, जो कि उन फसल को डैमेज करता है। देखते हैं कि इसका नेचर ऑफ डैमेज कैसा है, या इसको कौन सी इसकी जो अवस्थाएं हैं जो क्षति पहुंचाती हैं। तो निम्फ और जो फीमेल इंसेक्ट है दोनों ही क्या करते हैं, प्लांट्स को डैमेज करते हैं। और ये प्लांट्स के जमीन के ऊपर वाले जो भाग होते हैं, जैसे टहनियां होती हैं या फलों का फल होते हैं, उनमें से रस चूसते हैं, और रस चूसने के कारण जो पौधे की सामान्य वृद्धि है वो रुक जाती है, और उसकी जो पाशर शाखाएं हैं वो सूख जाती हैं। और अगर इन कीटों की संख्या अधिक हो जाए तो जो पौधे प्रकोपित हो जाते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है, और जो ग्रसित फल होते हैं वो छोटे रह जाते हैं या स्केली होते हैं, और लाल रंग के एक स्पॉट लाल रंग के घेरे से घिरा हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या है, पहचान हो जाती है कि इस प्लांट्स पे जो एक इंसेक्ट है सेंजोस्केल का
आक्रमण हो चुका है या सेंजो स्केल का प्रकोप हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी लाइफ हिस्ट्री, इसका जीवन इतिहास क्या है। इसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, निम्फ और प्रोड। तो निम्फ क्या होता है, देखते हैं कि जो लाइफ हिस्ट्री में दो अवस्थाएं निम्फ और प्रोड मिलती हैं। और कीट की जो स्पेसिफिक करेक्टर वो है कि जो एग का विकास होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है और एग में से डायरेक्टली निम्फ ही बाहर आते हैं। इस कारण इसमें दो स्टेजेस ही पाई जाती है, एक निम्फ और सेकेंड प्रोड। तो जो निम्फ है वो सक्रिय होते हैं और अपने स्केल से बाहर निकल कर मादा के साथ कॉपुलेशन क्रिया करते हैं और पूरी जो जीवन काल है वो उस स्केल के अंदर ही व्यतीत कर देते हैं। क्या करते हैं कि जो निम्फ है, जो मेल निम्फ है, वो स्केल से बाहर आते हैं, कॉपुलेशन क्रिया करते हैं और अपनी लाइफ को स्केल्स के अंदर ही व्यतीत करते हैं। और जो फर्टिलाइज्ड फीमेल होती है वो 8 से 10 निम्फ प्रतिदिन के हिसाब से प्रोड्यूस करती हैं या पैदा करती हैं। तो 8-10 निम्फ एक दिन में ही बनते हैं और 42 दिनों तक ये फीमेल इंसेक्ट बच्चे देती है। ये ओवो विविपैरस होती है और अपने लाइफ पूरी लाइफ में 300 से 400 निम्फ को जन्म देती है। मतलब एक फीमेल की जो प्रोडक्शन रेट है वो 300-400 पूरी लाइफ में निम्फ पैदा करती है। और ये जो निम्फ होते हैं वो रेंग कर काफ़ी दूर तक चले जाते हैं और अपने पेरेंट स्केल के पास पहुंच जाते हैं। 12 से 24 घंटे तक ये स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद अपने मुखांगों को चुभाकर उन प्लांट्स का रस चूसना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, 4 निम्फल इंस्टार के बाद विकसित होता है। जो ये निम्फ है इसमें 4 इंस्टार लार्वा इंस्टार पाए जाते हैं और फिर ये निम्फ पूर्णतः विकसित हो जाता है। और जो मेल है वो 25-31 दिनों में और जो फीमेल है वो 30-40 दिनों में पूर्ण विकसित होते हैं। अब इसमें भी स्पेसिफिक करेक्टर हो गए ना, फीमेल 25-31 दिनों में और फीमेल 30-40 दिनों में पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो प्रोड है वो किस प्रकार से होता है या कैसा दिखाई देता है। जो फीमेल इंसेक्ट है वो गोल और लगभग 20 mm व्यास का होता है और इसके बाहर वैक्सी शेल पाई जाती है तथा सेंट्रल निप्पल उठी हुई होती है। और जो मेल है उसका जो आकार है वो अंडाकार होता है और 1 mm लंबा होता है और बाहर के जो आवरण है उसके बड़े किनारे के पास उठे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। नर जो मेल है वो कोमल होता है और पीले रंग के दो पंख वाला होता है, जबकि जो फीमेल है वो 10 से 14 दिनों के बाद निम्फ पैदा करना प्रारंभ कर देती है। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है इसमें। मेल और फीमेल में अलग अलग टाइमिंग है उसके विकास की। स्टेजेस 2 पाई जाती है, एक निम्फ और एक एडल्ट। और जो ग्रेविड मदर होती है, जो गर्भवती माँ होती है, वह 50-53 दिन 50-53 डेज तक जीवित रहती है। और जो मेल है वो केवल 24-32 घंटे ही जीवित रहता है, अल्पायु होता है वो, 24-32 घंटे में ही उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। और इस अवधि में जो पंखहीन मादा से ये कॉपुलेशन की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका जो कंट्रोल है वो किस प्रकार करते हैं, इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे कर सकते हैं। जो गर्मी की ऋतु होती है तब मिथाइल डेमेटॉन मालाथियन की निश्चित मात्रा को 5-7 लीटर प्रति पेड़ की दर से छिड़काव करते हैं। और नर्सरी में कार्बोफुरान 3G की 10 ग्राम मात्रा प्रति पेड़ की दर से प्रयोग करते हैं। और इसका जो नेचुरल एनिमी है या जो परजीवी है उनको भी यूज करके हम इसकी संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं वुली एफिस, जो कि ऑर्डर हेमिप्टेरा से और फैमिली इसकी है पेम्फिजिडी या एफिडिडी भी कहा जाता है। और इसका जो जीनस स्पीशीज या साइंटिफिक नेम की बात करें तो एरियोसोमा लैंगिजरम, ये इसका साइंटिफिक नेम रहता है। होस्ट प्लांट देखते हैं तो होस्ट प्लांट सेब, नाशपाती और क्रेब एप्पल, ये इसके होस्ट प्लांट रहते हैं। और वितरण या इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के सेब उत्पादन क्षेत्रों में यह पाया जाता है। मतलब अगर ये सेब, जो सेब है उसका ये पेस्ट माना गया है, तो पाकिस्तान और इंडिया में जहाँ पे भी सेब की खेती की जाती है, सेब की पैदावार की जाती है, वहां पर यह पाया जाता है। देखते हैं कि डैमेज इसका किस प्रकार होता है। इसके निम्फ और प्रोड दोनों ही रस को चूसकर हनी पहुंचाते हैं, और जब रस को चूस लिया जाता है तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, तने और शाखाओं में रुई के समान सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये एफिड क्या है, भूमि के अंदर जड़ों से भी रस चूसते हैं, जिससे जड़ों में स्वेलिंग आ जाती है और उसके ऊपर गांठ बनी हुई दिखाई देती है। और इनके कारण भोजन प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और नर्सरी के अगर प्लांट्स में इनका प्रकोप हो जाता है तो उसकी टहनियां सिकुड़ी हुई या श्रिप दिखाई देती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री, कि इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें कितनी स्टेजेस पाई जाती हैं। दो अवस्थाएं निम्फ और प्रोड पाए जाते हैं, और जो फीमेल है वो सेक्सुअल और जो मेल है वो एसेक्सुअल दोनों प्रकार से बच्चों को पैदा करते हैं, परंतु अधिकतर अनिषेक जनन द्वारा प्रजनन होता है, पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा। और जो फीमेल है वो अपने लाइफ में 116 बच्चे पैदा करती है, और इसमें चार निम्फल इंस्टार होते हैं, और इनकी जो स्टेज है वो मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। निम्फ काल फरवरी में 35 से 42 दिन, ये क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन है जो इस पर इफेक्ट करती है। तो फरवरी में 35 से 42 दिन, और अगस्त अगस्त से नवंबर 28 से 30 दिन, और अप्रैल से जुलाई में 10 से 19 दिन का होता है। मीन्स नीम से जो प्रोड बनता है वो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी अलग अलग होता है। और एक एफिड दिसंबर जनवरी के महीनों को छोड़कर पूरे वर्ष भर ये एक्टिव रहता है, अबाउट 10 मंथ्स ये एक्टिव रहता है। और पंखहीन एफिड्स पूरे साल ही पाए जाते हैं, जबकि जो पंख युक्त एफिड्स होते हैं वो जुलाई से अक्टूबर में दिखाई देते हैं। मतलब पंखहीन तो पूरे साल पाए जाते हैं, जबकि जो जिनके विंग्स पाए जाते हैं या पंख होते हैं वो जुलाई से अक्टूबर में दिखाई देते हैं। और जो एफिड्स उड़कर चारों ओर फैल जाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा पंखहीन एफिड्स पैदा करते हैं। लाइफ साइकिल देखें तो इसका लाइफ साइकिल है जो 11 से 43 दिनों में पूरा होता है, और वर्ष में लगभग 13 पीढ़ियां मिलती हैं। यह एफिड्स मार्च से सितंबर तक सबसे अधिक सक्रिय रहता है, और दिसंबर के महीने में यह एफिड्स पौधों के ऊपरी भाग से जड़ की ओर चले जाते हैं। पहले कहाँ रहते हैं, ऊपरी भाग में, और बाद में क्या करते हैं, ये जब दिसंबर का महीना आता है या विंटर सीजन होता है, कड़ाके की ठंड होती है, तो ये जड़ की ओर चले जाते हैं। और इसके विपरीत मई के महीने में यह पुनः जड़ों से ऊपर की ओर आ जाते हैं। मीन्स जब पूरी सर्दी होती है तो ये जड़ों में चले जाते हैं, और जब सर्दी कम हो जाती है तो ये वापस ऊपर की ओर आ जाते हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। टोटल लाइफ साइकिल 11 से 43 दिन, और एक साल में 13 जनरेशन। हमारे पास स्टेजेस दो ही पाई जाती हैं, एक निम्फ और एक एडल्ट।
दो ही स्टेजेस में इनकी लाइफ पूरी हो जाती है। अब देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट किस प्रकार कर सकते हैं या हाउ टू कंट्रोल दिस इन पेस्ट। तो प्रतिरोधी जो स्टॉक होते हैं जैसे गोल्डन डेलिसियम, मॉर्टन स्टॉक, इनको लगाना चाहिए। रूट स्टॉक जो होते हैं उनको लगाएं। और जब पतझड़ के समय होते हैं तो डाइजीनिनान 20 EC की 3.75 लीटर क्वांटिटी को 1500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। और गर्मी, सर्दी और गर्मी में जड़ों में जो एफिड को कंट्रोल करने के लिए मिथाइल डाइमेटॉन 25 EC, मालाथियॉन 50 EC की 2 लीटर मात्रा को 1500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जून और दिसंबर के महीने में जो इसके पैरासाइट्स का प्रयोग करते हैं, परजीवियाम का प्रयोग करते हैं। बहुत ही प्रभावी पैरासाइटॉइड है और हिमाचल जो स्टेट है उसमें इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो एफिड्स है इसका लाइफ साइकिल देखा और किस प्रकार इसको हम ट्रीट करके हम इसके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम काले शिखर की सुंडी, ब्लैक हेटेड कैटरपिलर, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली क्रिप्टोफैसिडी, और साइंटिफिक नेम या जीनस स्पीशीज की बात करें तो ऑपिसिना एरेनोसेला। नेक्स्ट देखते हैं इसकी होस्ट प्लांट, की होस्ट प्लांट कौन से हैं, नारियल, टॉलीपॉर पाम, टोडी पाम और ऑर्नामेंटल पाम। और ये जो वितरण की बात करें तो ये इंडिया के लगभग सभी द्वीप में पाया जाता है। और इसकी जो खतरनाक अवस्था होती है, जो डैमेज करती है, वो होती है इसकी लार्वा अवस्था, जो ग्रुप में लीफलेट्स की निचली सतह पर रेशम और फ्रास, सिल्क और फ्रास से गैलरी बनाकर क्षति बनाते हैं या सुरंग बनाकर क्षति करते हैं, जिससे पूरी जो ये लीफलेट्स होती हैं या फॉलिएज होती हैं वो सूख जाती हैं, पत्तियां होती हैं जो सूख जाती हैं। और इन पौधों को जगह जगह टुकड़ों में पत्तियों के सूखे होने पर और उन पर इनकी इन इंसेक्ट की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इकट्ठे होने के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है कि इन प्लांट्स पर जो ब्लैक हेडेड कैटरपिलर का अटैक हो चुका है। लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो लाइफ हिस्ट्री में चार अवस्थाएं पाई जाती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो एग की बात करते हैं तो एग कहाँ दिए जाते हैं, पुरानी पत्तियों में जो लार्विस गैलरी के समीप छोटे छोटे सफेद क्रीम रंग के अंडाकार एग कहाँ दिए जाते हैं, लीफलेट की कॉर्नर पर, चोटी के पास दिए जाते हैं। और फीमेल अपनी लाइफ में 180 अंडे देती है और एग का जो टाइमिंग होता है एग हैचिंग का वो 5 डेज का रहता है। 5 डेज में एग हैच होकर या पक कर लार्वा बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लार्वा की, जो लार्वा है वो पीले सफेद रंग का होता है और बाद में हरे पीले रंग का हो जाता है। और पूर्ण विकसित जो लार्वा है वो हल्के रंग का हो जाता है और 15 mm लंबा हो जाता है। इसमें 5 बार निर्मोचन क्रिया पाई जाती है और 40 से 42 दिन में ये लार्वा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्यूपा, जो पूर्ण विकसित जो लार्वा है वो क्या करता है, रेशमी धागे से कोकून बनाकर गैलरीज में कोशावस्था में बदल जाता है। जो उसने गैलरीज बना रखी होती है ना लीफलेट के नीचे, वहीं पर ये क्या प्यूपा में बदल जाता है। और प्यूपा गहरे रंग का अपारदर्शक होता है और जो ये प्यूपा अवस्था है या जो कोशावस्था है वो 12 दिनों की होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका जो प्रोड है वो प्रोड किस प्रकार का होता है। तो प्रोड होते हैं वो 10 से 15 mm लंबे होते हैं और सिर और वक्ष पर हल्के गेरुए रंग के
तथा अगली जोड़ी पंख लंबे और पीले होते हैं। जो मेल है वो फीमेल के कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और पिछली जोड़ी पंखों के आधार पर बालों का एक गुच्छा पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर कि बालों के गुच्छे का पाया जाना, जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। और ये रात्रिचर स्वभाव के होते हैं और जब शाम हो जाती है तो संध्या के बाद ये गोधूलि बेला के बाद ये सक्रिय होते हैं और प्रकाश की ओर आकर्षित नहीं होते। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। लाइफ साइकिल 58 से 61 डेज में पूरा होता है। स्टेजेस कितनी पाई जाती हैं, 4, 1 egg, 2 larva, 3 pupa एंड 4 adult। और ये क्या होता है कि पूरे साल ही सक्रिय रहता है और जब गर्म मौसम होता है तो यह अधिक दिखाई देते हैं और बरसात के मौसम में इसकी संख्या में कमी आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो ग्रसित जो लीफलेट्स होते हैं उनको पत्तियों को काट कर जला देना चाहिए। और छोटे पौधों में कार्बारिल 50 WP को 2 g/L पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। गर्मियों में जनवरी के महीने में 1:1:10 के रेशो में बाथिलिट ब्रैकोनिड तथा यूलोफिड परजीवा प्रति पेड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। और क्लोरोफाइसी 20 EC की 2.5 L मात्रा को 625 L पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार ये ब्लैक हार्टेड कैटरपिलर को किस प्रकार हम कंट्रोल कर सकते हैं।